हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर जो 4 है आपका एनिमल किंगडम। इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और जितने भी नोट्स आपके हैं एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन और नोट्स इसमें कंप्लीट होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखिए लिखा है, मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड इट बिकम्स मोर नेसेसरी टू क्लासीफाई देम टू साइन अ सिमेट्रिक पोजिशन। कई सारी स्पीसीज, मिलियन स्पीसीज जो हैं वो डिस्क्राइब की जा चुकी हैं साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, और उनको क्लासीफाई करना आवश्यक हो गया है और एक सिस्टमेटिक पोजिशन के हिसाब से इनको क्लासीफाई करना है। उसी के लिए आपको ये चैप्टर जो है वो पूरा बताया जाएगा कि जितने भी एनिमल्स हैं आपके, जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, डिफरेंट करेक्टर रखते हैं, उनको सबको कैसे क्लासिफाई किया गया है। एनिमल्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। देखिए एक तो तरीका इन्होंने ये बताया है कि जो जितने भी एनिमल्स हैं आपके उनको क्लासिफाई किया गया है, उनको जो बेस बनाया गया है वो जो सेल की पोजिशन है या उनका अरेंजमेंट कैसे है उसके हिसाब से बॉडी सिमेट्री, और क्या लिया है बॉडी सिमेट्री, वो सिमेट्रिक मतलब असिमेट्रिकल हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, रेडियल सिमेट्री है, कौन सी सिमेट्री है। नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम का मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, मतलब ओपनिंग एक है, दो है या कोई ओपनिंग नहीं है इस तरीके से, ठीक है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, ठीक है, और सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो बेस है क्लासिफाई करने का एनिमल्स का, आपके लिए यही क्वेश्चन आता है कि मतलब डिपेंड बेस क्या है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमल्स, एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए कौन सा बेस बनाया गया था। तो आप देख लीजिए क्या है बेसिक, सबसे पहले तो इसमें यह है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक या डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसका बेस है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो जितने भी एनिमल्स हैं इनमें सभी में आपका क्या होता है, 4 लेवल ही पूरे ऑल ओवर एनिमल जो किंगडम है उनको 4 लेवल आप ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला जो है वो सेलुलर लेवल है, फिर टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है और ऑर्गन सिस्टम लेवल है। आप पहले समझ लीजिए कि सेलुलर लेवल क्या होता है। जैसे आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, ऐसे एनिमल आते हैं जिनमें क्या होता है इनकी बॉडी केवल सिंगल सेल की बनी होती है या मल्टी, मतलब इनकी मल्टी सेल भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त ये होती है कि ये जो सेल्स होती हैं इनका जो एक ग्रुप फॉर्म नहीं करती हैं और क्या करती हैं टिश्यू भी फॉर्म नहीं करती हैं। तो ऐसे एनिमल आएंगे जिनके अंदर क्या होता है, जिनकी बॉडी जो होती है वो या तो यूनिसेलुलर होगी या फिर मल्टी सेलुलर होगी। कंडीशन ये है कि यहाँ पर टिश्यूज फॉर्म नहीं होंगे। तो वो सभी जो एनिमल्स हैं उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल होता है। जैसे स्पंजेस आते हैं इसमें, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि असेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि वो कौन सा एनिमल है जिसमें क्या होता है असेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड टाइप जो इसका होता है वो है टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, सेल होती हैं जिनकी ओरिजिनल और फंक्शन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वो क्या करती है, ग्रुप बना लेती हैं अपना, और ग्रुप बनाने के बाद वो ग्रुप जो है वो टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं, टिश्यू बन जाते हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा प्लांट ग्रुप क्या हो जो जिसमें क्या हो टिश्यू फॉर्म हो जाए, यानी सेल्स क्या करें ग्रुपिंग करें, ग्रुपिंग करके क्या करें वो टिश्यू फॉर्म कर लें, ठीक है। तो उन सभी को किस में रखा गया है, उनमें कहा गया है कि उनमें क्या होता है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे निडेरिया हो गया, ठीक है, एसके हेलमेंथीज, सॉरी निडेरिया है इसमें आपका, निडेरिया का मतलब होता है सिलेंट्रेटा, जो सिलेंट्रेटा के एनिमल्स हैं वो सभी इसमें आते हैं। वैसे हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इसका थर्ड जो टाइप होता है वो होता है ऑर्गन लेवल। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही टिश्यू फॉर्म हुए थे ग्रुप ऑफ सेल्स से जिनकी ओरिजिन एंड फंक्शन क्या थे, सिमिलर थे, सेम थे, ऐसे ही क्या होता है आपका प्लेटी हेलमेंथीज में जो होते हैं, प्लेटी हेलमेंथीज हो गया, एसके हेलमेंथीज हो गया, ठीक है, एनलिडा हो गया, इसमें क्या होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये क्या करते हैं टिश्यूज जो होते हैं वो फिर ग्रुपिंग करते हैं, जिनका ओरिजिन एंड फंक्शन जिनके सेम होते हैं वो क्या करते हैं बाद में ऑर्गन बना लेते हैं,
और ऑर्गन जिनमें फाउंड आपको मिल जाएंगे वो उनमें जो लेबल होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑर्गन लेबल होता है उनका, ठीक है। तो इसमें आपके ये एग्जाम्पल प्लेटी हेलमेंथीज, एस के हेलमेंथीज, एनेडा ऐसे आ जाते हैं इसमें। अब लास्ट जो आपका सबसे वेल डिफाइंड और डेवलप्ड होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन जैसे ऑर्गन बने थे तो ऑर्गन ने क्या किया, ग्रुपिंग कर ली, ग्रुपिंग करके उन्होंने क्या बनाया, मतलब सिस्टम अलग अलग बना लिए, कई सारे ऑर्गन मिले उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें कौन से, माउथ है, एनस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, मैनी ऑर्गेनिजम्स, क्या मैनी ऑर्गन्स जो होते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, ठीक है, कंपोज्ड होते हैं और फॉर्म करते हैं आपका ऑर्गन सिस्टम। ऐसे अगर हम लोग और कोई एग्जाम्पल लें यहाँ पे, मान के चलिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं अभी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लूँ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आ गया, ब्लड आ गया, ब्लड वेसल्स आ गई, आर्टरीज आ गई, वेन आ गई, इस तरीके से आपके क्या हैं, तो ये कई सारे और इसमें ऑर्गन्स जो हैं वो मिल जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं। तो जिनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है उन्हीं में मिलता है आपको, उन्हीं एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और आर्थ्रोपोडा से कॉरेटा तक के सभी एनिमल्स जो होते हैं वो इनमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये हुआ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किस तरीके से आपके डिवाइड किए गए एनिमल्स को। अब इनके आगे कुछ टर्म देखते हैं। देखिए, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज वन ओपनिंग बट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम टू ओपनिंग माउथ एंड एनस इज प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सीलोम की, ठीक है। तो सीलोम में बात अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो सीलोम में क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई ओपनिंग है, ठीक है, और ये एक तरफ से बंद हो इस तरीके से, यहाँ इधर से ये ओपन हो, तो ये ब्लाइंड सैक कहलाता है। ब्लाइंड सैक का मतलब है कि इधर कोई इसका पाथ है नहीं, कोई रास्ता है नहीं, तो इसमें एक क्या है, ओपनिंग है, तो ये जो कहलाता है वो असीलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, असीलोमेट, यानी सीलो में इसमें स्यूडो सीलोमेट हो सकता है, असीलोमेट हो सकता है, और जिसमें टू ओपनिंग होती है वो आपका सीलोमेट होता है, वेल डिफाइंड होते हैं। इसमें एनस, एक तो माउथ होगा, दूसरा एनस होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर होता है। देखिए अगला पॉइंट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो दो टाइप के मिल जाते हैं आपको, एक तो ओपन होता है, दूसरा क्लोज होता है। यहाँ देख लीजिए, दोनों समझिए, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है। ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। मतलब क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो हार्ट के द्वारा डायरेक्टली सेल से अटैच रहता है, डायरेक्टली, उनके लिए कोई स्पेशल पाथ नहीं होता है, कोई स्पेशल मतलब पाइपलाइन नहीं होती है, ठीक है। तो वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। जैसे आपका हेमिकोर्डेटा हो गया, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा हो गया, मोलस्का हो गया, और आपका एनलिडा हो गया, इनमें क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, और शॉर्टकट में आप इसको हेमा याद कर सकते हैं, HEMA, हेमा, ये ध्यान रखिए। इनमें जो होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मतलब इनमें क्या होता है यहाँ से कि जो आपके हैं वो जो ब्लड होता है वो हार्ट से डायरेक्टली सेल से अटैच रहता है, इनमें के लिए कोई स्पेशल टाइप का ना तो पाइपलाइन होती है, डायरेक्टली ये अटैच रहता है ब्लड इनका टिश्यूज और सेल से। वैसे यहीं पे सेकेंड टाइप जो आता है वो आपका आता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए यहाँ पे ब्लड जो होता है वो सर्कुलेटेड थ्रू आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी, मतलब जो ब्लड है वो सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचने के लिए वो हेल्प लेता है आर्टरीज की, वेंस की, या फिर कैपिलरीज की, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। बाकी जो फाइलम है आपके, जो आपके हायर कॉर्डेट हैं, उनमें सभी में क्या होता है, इस तरीके से ये आपको क्लोज टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अब देखिए सिमेट्री की बात करते हैं हम लोग। सिमेट्री, तो सिमेट्री के बेस पे एनिमल क्या होते हैं, या तो वो असिमेट्रिकल होंगे, मतलब उसमें सिमेट्री पाई ही नहीं। सिमेट्री का मतलब ये होता है, देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई ये एनिमल बना दिया, तो ये कितनी आप कितने प्लेन से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं इस तरीके से एक कोई बना दूँ, अब मैं कहूँ कि आपको ये आप टू हाफ इक्वल हाफ में इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये नहीं होगा। तो मतलब कोई भी एनिमल क्या हो वो टू इक्वल हाफ में क्या हो, डिवाइड हो जाए। अब चाहे वो प्लेन एक हो, दो प्लेन से हो, या तीन प्लेन से, या मैनी प्लेन हो,
ठीक है। तो जैसे ही अगर डिवाइड हो रहा है टू इक्वल हाफ में, तो वो उसमें क्या, वो एनिमल जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा, वो क्या होगा, वो सिमेट्रिकल होगा। अगर नहीं हो रहा है तो वो ही हो जाएगा आपका क्या, असिमेट्रिकल। यहाँ लिखा है कैन बी डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, और यहाँ लिखा है बॉडी इज नॉट डिविजिबल इंटू इक्वल हाफ, मतलब जब डिवाइड नहीं होगी तब ये कंडीशन आएगी असिमेट्रिकल, और डिवाइड हो जाएगी तो सिमेट्रिकल कंडीशन इसमें आती है। इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल जो हैं, तो जब असिमेट्रिकल आप लर्न कर लीजिए, बाकी सभी सिमेट्रिकल ही होते हैं। तो अमीबा और स्पंजस, यानी पोरीफेरा फाइलम और अमीबा, जो प्रोटो जो आपका प्रोटो जोआ में जो रखा गया था, अब इसे प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके असिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। अब जो सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं उनको भी टू टाइप में डिवाइड किया गया है, एक बताया गया बायलेटरल सिमेट्री, दूसरी बताया गया आपका रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है, कैन बी डिवाइड इंटू इक्वल हाफ बाई एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब एक सेंटर से आप कई सारे जगह, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सर्कल बना दिया, तो यहाँ से भी डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ, ऐसे मैं इसको कई प्लेन से क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये कहलाएगा रेडियल, रेडियल का मतलब रेडियस होता है, जो जिनकी बॉडी जो है वो सर्कल में है या ओवल शेप है, तो वो सभी उनमें क्या होगी, मोस्टली में आपको देखने को मिल जाएगी रेडियल सिमेट्री। जैसे स्टार फिश हो गया, हाइड्रा हो गया, ठीक है। और आप अगर जाएंगे तो आपको कई सारे अदर ऑर्गेनिज्म भी, एनिमल इसमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आपका बायलेटरल सिमेट्री, बाई का मतलब होता है टू, लेटरल का मतलब एक, मतलब एक किसी एक प्लेन से क्या हो वो इक्वल टू हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो वो कहलाता है आपका बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। जैसे जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं वो सभी इसी में आते हैं। ह्यूमन आप देख लीजिए, आपकी बॉडी जो है वो पूरी टू इक्वल हाफ में एक ही प्लेन से डिवाइड हो सकती है, कैन बी डिवाइड इक्वल हाफ बाई ओनली वन प्लेन, ठीक है। सभी इसमें क्या हो गए आपके, ये आ गए। उसके बाद देखिए आगे अगला पॉइंट है, द एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर। अब देखिए यहाँ पे बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं लोग, किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी वॉल की। जो इनकी बॉडी वॉल होती है वो कितने लेयर की बनी है, वो दो लेयर की है, वो थ्री लेयर की है, वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर होंगी। तो द एनिमल विच सेल्स आर अरेंज इनटू एम्ब्रियोनिक लेयर एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल जो होगी वो एक्टोडर्म होगी, और इंटरनल जो होगी वो एंडोडर्म होगी। ऐसे एनिमल को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। जैसे पोरीफेरा और निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें, द एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर, मीजोडर्म भी हो जाए इसमें, ठीक है, जैसे मिडल लेयर बोलते हैं, बिसाइड एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड द कार डिप्लोब्लास्टिक, इसमें एक्टोडर्म भी हो गई, मीजोडर्म भी हो गई और इंडोडर्म भी हो गई। तो ऐसे एनिमल जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं टिप्लोब्लास्टिक। जैसे प्लेटियल मेंटीज और सभी कॉर्डेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये डायग्राम आपको दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये दिया है, इसमें डिप्लोब्लास्टिक है अर्थात इसमें इंडोडर्म और एक्टोडर्म है, ये टिप्लोब्लास्टिक है, यहाँ पे मीजोडर्म भी आपको देखने को मिल रही है। आगे देखिए अगला जो है, द बॉडी कैविटी इन विच लाइंड बाई मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। अब देखिए जैसे ही क्या होता है, जैसे ही आपकी जो बॉडी कैविटी है वो किससे, मीजोडर्म से लाइंड होती है, मतलब मीजोडर्म इसमें होती है, ठीक है, तो उसे हम सीलोम बोलते हैं। एनिमल पॉसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। अब जिस ऐसे एनिमल जिनमें क्या होता है, ये सीलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है, मीजोडर्म की लाइनिंग आपको अंदर मिल जाती है देखने को इंटरनल पार्ट में बॉडी कैविटी की, तो वो कैसे हो जाते हैं, वो सीलोमेट हो जाते हैं। जैसे एनलिडा हो गया, कॉर्डिडा हो गया और मोलस्का हो गया, ये एग्जाम्पल हैं सीलोमेट के आपके। इन सम एनिमल्स कैविटी नॉट लाइंड बाई मीजोडर्म बट स्कैटर्ड एज पाउचिस इज बिटवीन एक्ट्रो एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड स्यूडो सीलोमेट। देखिए ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो है वो सीडो सीलोमेट का है, ये डायग्राम सीडो सीलोमेट का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो बॉडी कैविटी है इसकी वो कैसी है, मतलब इसमें पाउच मिल रहे हैं, छोटे छोटे पाउच मिल रहे हैं, छोटे छोटे पाउच के रूप में क्या है, जो एंडोडर्मिस है वो यहाँ पे स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो ये जो है वो स्यूडो सीलोमेट है, जैसे एस के हेलमेंथीस इसमें एग्जाम्पल है। एंड द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटीज एबसेंट आर कॉल्ड आ सीलोमेट। अब जिसमें क्या है, सी वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इसमें कोई कैविटी अंदर नहीं है, देखिए ये जो है वो सीलोमेट है, इसमें पूरे में कैविटी है, ये स्यूडो सीलोमेट है, पाउच के रूप में यहाँ पे क्या है, जो आपकी लाइनिंग मिल रही है एंडोडर्म, किसकी, एंडोडर्म की, ठीक है।
और आठ सिलोमीट में क्या है, कोई भी स्पेस या कोई भी कैविटी आपकी मिलती ही नहीं है इसके अंदर। तो ये जो एनिमल होते हैं वो कहलाते हैं आठ सिलोमीट। एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लेटीहल मिंथीज। इन सम एनिमल्स बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इंटू सेगमेंट विच विद सीरियल रिपीटेटेड एज द अर्थवॉर्म कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब इसी में क्या होता है, सम एनिमल्स ऐसे भी मिल जाते हैं आपको जिनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, मतलब बाहर से भी आपको ऐसा लगे कि बॉडी में कितने पार्ट हैं, और इंटरनल अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तब भी आपको ऐसा लगेगा। तो इस तरीके का जो रिपीटेशन जो होता है वो आपको किस में देखने को मिलता है, अर्थवॉर्म में मिल जाता है, अर्थवॉर्म में। और इनके इस करेक्टरिस्टिक को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो वीडियो लंबी हो रही है, अगली वीडियो में हम लोग जितने भी फाइलम आपके क्लास में हैं 11th में उन सभी की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल जैसे फाइलम पोरीफेरा से लेके आपके क्वाड्रेटा तक हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर।